जदों असीं इत्थे आण के मर्यादा दा जो हुक्मनामा सानू काल तख्त वालों आया वो इत्थे विखाया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिता भी असीं इस काल तख्त की मर्यादा नूं नहीं मनदे। फिर असीं इस हुक्मनामे नूं लागू करवाउण वास्ते श्रोमणी कमेटी नूं काफी लैटर पाए, लगातार 5-6 महीने असीं उन्हां नूं रिमाइंडर कढ़दे रहे, पर श्रोमणी कमेटी ने बहुत ज्यादा इस नूं लेट कर दिता। फिर असी इस मैटर नूं लैके हरियाणा कमेटी के प्रधान बाबा बलजीत सिंह जी दादूवाल, उस वक्त हरियाणा की कमेटी अट नहीं सी अजे हुई, उन्हां कोल लैके गए। उन्होंने इस मैटर नूं अगले ही दिन नामधारी बाबा उदय सिंह दे कोल लैके गए। उन्होंने आख्या भी बाबा जी भी उत्थे हुक्मनामा जो अकाल तख्त वालों जारी हो गया आ, अपनी संगत नूं ये गल आखो भी उत्थों जिहड़ा आ फोटो चक लैण। पर बाबा उदय सिंह ने अगों यह गल आखी, बाबा बलजीत सिंह जी मैनू 10-15 दिन का टाइम दो, मैं हुक्मनामा ही चेंज करवा देना। पिंड अमृतसर खुरद तहसील अहलाबाद जिला सरसा हरियाणा, जिथे आप जी दसना चाहते हैं भी पिंड अमृतसर खुरद के गुरुद्वारे का जो विवाद चल रहा पिछले एक साल तो, पिंड की नामधारी संगत बाबा उदय सिंह पिंड की सिख संगत के जो एक साल तो विवाद चल रहा, पहला मैं आप जी थोड़ा जा विशा दसना चाहना भी विवाद की है। विवाद मर्यादा नूं लैके चल रहा, जो नामधारी डेरावद आप जी नूं पता है भी वह देहधारी गुरु नूं गुरु मनदे ने, वह यह कहिंदे ने भी असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बराबर अपने 12वें गुरु बाबा राम सिंह दी फोटो लाउणी है। सिख संगत ने आख्या भी वेखो भाई प्यारिओ भी यह बहुत वड्डी एक बेअदबी है, इदां तुसीं ना करो, गुरुद्वारा सर्व संजा तुसीं आओ जाओ मत्था टेको, पर जो मर्यादा आ वह गुरु ग्रंथ साहिब जी अकाल तख्त दी ही चलदी हुंदी है, डेरेवाद दी डेरेवाद च ही चलदी है। जिस तरह नामधारियों के मंदिर ने धर्मशाला ने, इस तरह वह अपने अपने धर्मशाला अपने मंदिरों के जो जाके मर्जी करन, पर गुरु घर गुरु ग्रंथ साहिब जी की ही मर्यादा चलती है। इस बाबत उन्होंने इतने बहुत वड्डा जिहड़ा एक साल तो कलेष खड़ा किया होया आ, फिर असी इस मैटर नूं जिहड़ा आ अकाल तख्त के जहेदार जी कोल पहुंचाया आ। अकाल तख्त के जहेदार जी ने इस मैटर नूं चंगी गंभीरता नाल सूझवान जी नाल इस मैटर नूं उन्होंने अपने संज्ञान दे विच लिया आ। उन्होंने चार उच्च कोटी दीआं पड़तालां करवाईआं ने, उच्च कोटी दीआं पड़तालां करवाउण तों बाद उन्होंने इस पिंड दे गुरु घर दे विच हुक्मनामा जारी कीता है भी इत्थे जिहड़े नामधारी ने वो अपनी जिहड़ी फोटो आ गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लाग्यों वो चुक के भाई अपनी साइड ते लै जाओ, गुरु घर सर्व सांझा तुसीं आओ जाओ मत्था टेको, पर इत्थे माण मत नहीं होएगी, इत्थे सिर्फ ते सिर्फ अकाल तख्त की जो मर्यादा आ उस मुताबक ही पाठ पूजा इतने होएगा। उन्होंने साडे पिंड की सिख संगत की 7 मैंबरी कमेटी भी नाल बनाई। जदों असी इत्थे आण के मर्यादा का जो हुक्मनामा सानू अकाल तख्त वालों आया वो इतने विखाया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिता भी असी इस अकाल तख्त की मर्यादा नहीं मनते। फिर असी इस हुक्मनामे लागू करवाउण वास्ते श्रोमणी कमेटी काफी लैटर पाए, लगातार 5-6 महीने असी उन्होंने रिमाइंडर कढ़ते रहे, पर श्रोमणी कमेटी ने बहुत ज्यादा इस नूं लेट कर दिता। फिर असी इस मैटर नूं लैके हरियाणा कमेटी के प्रधान बाबा बलजीत सिंह जी दादूवाल, उस वक्त हरियाणा की कमेटी अट नहीं सी अजे हुई, उन्होंने कोल लैके गए। उन्होंने इस मैटर नूं अगले ही दिन नामधारी बाबा उदय सिंह दे कोल लैके गए। उन्होंने आख्या भी बाबा जी भी उत्थे हुक्मनामा जो अकाल तख्त वालों जारी हो गया आ, अपनी संगत नूं ये गल आखो भी उत्थों जिहड़ा आ फोटो चक लैण। पर बाबा उदय सिंह ने अगों यह गल आखी, बाबा बलजीत सिंह जी मैनू 10-15 दिन का टाइम दो, मैं हुक्मनामा ही चेंज करवा देना। वेखो उन्हें किड्डी वड्डी यह गल आखी, मैं हुक्मनामा चेंज करवा देना वा। इत्थों स्पष्ट हुंदा है भी वह अकाल तख्त तों भी वड्डा जहेदार बन चुका आ। अज डेराबाद किस तरह गुरु घर के उत्ते हैवी हो रहा आ, श्रोमणी कमेटी से किस तरह हैवी हो रहा आ, अपने आप में यह गल कह रहा कि मैं हुक्मनामा चेंज करवा देना वा। बाबा दादूवाल साहब ने आख्या भी तू करवाला चेंज, जिहड़ा तेरे तो जोर लगता है तू लाला। उस तो लैके अज 7 महीने हो गए ने, बाबा उदय सिंह ने अज तक सानू यह गल नहीं दसी भी अकाल तख्त की मर्यादा मानता आ जां नहीं मानता। हुण इत्थे नामधारी बाबा उदय सिंह की जिहड़ी पिंड की संगत आ, उन्हें जिहड़ी साडी गुरद्वारा साहब की नवीं बिल्डिंग बन रही सी उहदे विच आण के उन्हें कब्जा किया होया आ, फोटो रखी हुई है उत्थे डबल स्पीकर ला के ते अपने उत्थों पालकी रखी फोटो दे कोल बह के मोबाइलों तो पाठ करते ने, नाल कैटा ला के ते डबल स्पीकर ला के इत्थे संगत नूं बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। असीं साफ लफ्जां दे विच इह गल कह देना चाहुंदे आ, इत्थे हो चुका हुक्मनामा जारी, असीं हर हालत दे विच हुक्मनामा जिहड़ा आ इत्थे लागू करवावांगे, असीं गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी नहीं होण दवांगे, तुहाडा धर्म तुहानूं कबूल आ,
सिख कौम सिख पंथ किसी धर्म नूं माड़ा नहीं कहिंदी, किसी धर्म नूं नीवां नहीं विखाउंदी। तुहाडा जिहड़ा डम आ, तुहाडी जिहड़ी फोटो आ भाई प्यारे, जिथे मर्जी जाके तुसीं अपना करो। इह गुरु घर आ, इहदी रजिस्ट्री गुरु घर दे नाम आ। 70 सालां तों गुरु ग्रंथ साहिब जी इत्थे मौजूद आ। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बराबर ते जां तुहाडी इत्थे बारह पाशियां दी अरदास इत्थे नहीं होएगी। भाई प्यारे, तुसीं अपने घरे जाके करो। इत्थे हर पक्ष तों सिख कौम सिख संगत मर्यादा लागू करवाऊगी। जे उत्थे इत्थे विवाद खड़ा होया, जे उहदे बंदिआं ने इत्थे कोई रौला कीता, ते असीं हर पक्ष तों उहदा विरोध करांगे, ते लड़ांगे वी, ते मरांगे वी, ते मारांगे वी। साढ़े किसी बच्चे बजुर्ग का, किसी नौजवान का नुकसान हो गया, उहदा जिम्मेवार बाबा उदय सिंह होएगा, क्योंकि उहने स्पष्ट कीता होया, उहने दसना कीता होया कि मैं हुक्मनामे नूं मन्नदा वा जां नहीं मन्नदा। उहने अजे तक दस्या नहीं। 9 महीने हो गए इस गल नूं। 9 महीनों के विच 2 बार साढ़े पिंड नामधारियों के अपने पार्टी के घरे आ चुका आ, ते 2 वारी जो आया आ, 2 वार ही उन्होंने बंदे ने साढ़े इत्थे गुरुद्वारे विच झगड़ा किया आ। ये असीं साफ लफ्जां दे विच कह देना चाहुंदे आ भी तुहाडा धर्म तुहानूं कबूल है, अपने घरे अपने मंदिरां जो मर्जी करो, पर इस गुरु घर दे विच असीं किसी कीमत के उत्ते तुहाडी ये मनमत नहीं होण देवांगे। अपने घरे जो मर्जी करो, जे इत्थे हालात खराब होए उहदा जिम्मेवार बाबा उदय सिंह होगा, ते हरियाणा सरकार होगी। सानू शहीदियां पाउणियां पईआं ते पावांगे, पर गुरु ग्रंथ साहिब जी दी मर्यादा हर हाथ दे विच लागू करवावांगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।